डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको यह दिया हुआ है कि एक स्टोन है जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, मतलब जमीन से आसमान की तरफ ऊपर फेंका गया है बिल्कुल वर्टिकली, और जब वो फेंका गया था तो उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब वो हाथ से छूटा ऊपर की तरफ जाने के लिए तब उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं बोलूंगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि उस स्टोन के ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। ऑब्वियसली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई होता है उस ऑब्जेक्ट पे, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और इस क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जनरली जब ऐसी वैल्यूज नहीं दी होती तो हम अपनी तरफ से लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इस क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही होती है। ठीक है, तो बात यह है कि वो स्टोन को ऊपर फेंका गया है 5 मीटर पर सेकेंड से, और उस स्टोन के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। ठीक है, अब जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो मैं क्या बोलूंगा, उसकी वेलोसिटी को वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो तो अपवर्ड है, स्टोन तो ऊपर की तरफ फेंका गया है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन किसका काम कर रहा है, रिटार्डेशन का, जो इसकी वैल्यू होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वेलोसिटी जो है इसकी स्टोन की धीरे धीरे कम होती रहेगी क्योंकि रिटार्डेशन लग रहा है, और वेलोसिटी कम होते होते वेलोसिटी एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो ये ऊपर जाना बंद हो जाएगा, तो जितनी भी इसने हाइट ले ली है अब तक, वेलोसिटी बेशक कम हो रही थी पर हो तो रही थी, लेकिन कुछ तो वेलोसिटी थी, लेकिन अब तो वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो गई उस पॉइंट पे, तो उसके बाद ये ऊपर जाना ही बंद हो जाएगा। तो जितनी हाइट इसने अब तक ले ली है वेलोसिटी जीरो होने से पहले, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, वो हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। और दूसरा हमें यह कैलकुलेट करना है कि उस हाइट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लग गया। तो लाइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें दिया हुआ है वैसे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, तो मैं इसे नेगेटिव लिखूंगा क्योंकि यह डाउनवर्ड है। ठीक है, या आप यहां लिख सकते हो रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन की तरह एक्ट करेगा। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मैंने पॉजिटिव लिया है क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट। तो आप ये देखिए, जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है जितना उसने डिस्प्लेसमेंट लिया है हाथ से छूटने के बाद ऊपर तक, वही तो मैक्सिमम हाइट है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही मैक्सिमम हाइट है और ये हमें कैलकुलेट करना है। दूसरा हमें ये कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग गया। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी हम क्या लेंगे, फाइनल वेलोसिटी देखिए बात मैक्सिमम हाइट की हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी हम लेंगे जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, जिसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है, एट मैक्सिमम हाइट, ये लिख लीजिए आप, मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज जीरो एट मैक्सिमम हाइट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए मैं यूज करूंगा न्यूटन की इक्वेशन v² - u² = 2as। ठीक है, वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, वैल्यू सब्सिट्यूट करने पे v की वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि बात मैक्सिमम हाइट की हो रही है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। u कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -5 स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन को मैं लूंगा -10, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जिसे मैं बोलता हूँ हाइट, अब ये कितना बन गया, ये बन गया -25 = -20 × मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हुई -25 / -20, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1.25 मीटर्स।
तो ये पहला पार्ट हुआ, आपको मैक्सिमम हाइट पता लग गई है, वो है 1.25 मीटर्स। अब हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने पे कितना टाइम लग जाएगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा न्यूटन की, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड इसलिए नेगेटिव लगाया, और t मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से मुझे मिलता है t इज इक्वल टू -5 / -10, दैट इज 1/2, या आप बोल सकते हैं 0.5। तो आप ये बोलोगे कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा, 0.5 सेकेंड्स लग जाएंगे, आधा सेकेंड लग जाएगा, ठीक है।